हुआ किसी का? कैसे करना कैसे है? चलो सीधा तरीका ही बता दो, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं, करोगे कैसे? स्वतंत्र घटनाएं कब होती है, क्या सिद्ध करना है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर ये सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब है कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, तो इसमें आपको ये सिद्ध करना है। चलो अगला, तुम्हारे भरोसे बैठेंगे तो फिर पूरा पीरियड निकल जाएगा, क्वेश्चन होगा नहीं। पांचवा है, एक पासे पर एक दो तीन लाल रंग से और चार पाँच छः हरे रंग से लिखे गए हैं, इस पासे को उछाला गया है। मान ले ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है? तो सबसे पहले हमें इसमें प्रतिदर्श समष्टि बनानी पड़ेगी। तो इसमें तीन रंग, एक दो तीन है वो तो लाल रंग से लिखे गए हैं, हमारे पास ऑप्शन भी है तो हम लिख सकते हैं, और चार पाँच छः अब घटना ई, घटना ई क्या ए, तो घटना ए है संख्या सम है, तो सम संख्या इसका मतलब इसमें कौन कौन सी आएगी? दो चार छः, और घटना जो बी है वो है लाल रंग से लिखी गई संख्या। लाल रंग से लिखी संख्या तो इसमें कौन कौन सी आएगी? एक दो तीन को निरूपित करते हैं, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है? तो ए और बी को स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए वही है, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कितना आएगा? दोनों में कॉमन क्या क्या है? दो है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक बटे छः, और ए की प्रायिकता तीन बटे छः या एक बटे दो, और बी की प्रायिकता ये भी एक बटे दो आएगी। तो इसमें ए की प्रायिकता एक बटे दो और बी की प्रायिकता भी एक बटे दो है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसका मान तो कितना आ गया? एक बटे छः, और पी ए इसका मान एक बटे दो इंटू पी बी का मान एक बटे दो, दोनों बराबर नहीं है आपस में, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, और इसका मतलब दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र होती तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आता पी ए इंटू पी बी। अगला क्वेश्चन, कॉइन बीच में पड़ा है। छठा क्या है? मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है, ए की प्रायिकता तीन बटे पाँच, एफ की प्रायिकता तीन बटे दस, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता है एक बटे पाँच, तब क्या ई और एफ स्वतंत्र है? ये तो सीधा सही है, ई इंटरसेक्शन एफ स्वतंत्र हो गए यदि ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ
मान रख के देख लो, इसका मान दे रखा है हमें 1/5, इसका मान है 3/5 इंटू 3/10, 1/5 बराबर 9/50, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, तो है को काट दो, स्वतंत्र नहीं है। तो ये तो उतारने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो उतारने की जरूरत भी नहीं है। तो वापस से और का मतलब इंटरसेक्शन और या का मतलब यूनियन। तो ये तो एक जैसे ही है, या यूनियन, तो इससे याद रख लेंगे। अब हमें और दिया है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए नहीं और बी नहीं। तो डी मॉर्गन नियम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का बार। इसको लिखेंगे 1-P ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मान कैसे निकालोगे, अलग से निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान 1/4, 1/2 माइनस 1/8, तो 8 एलसीएम ले लो, 2+4-1, 5/8, तो इसका मान आ गया 5/8। इसमें से जब घटाओगे 3/8 का नहीं, ये चेक नहीं करेगा उत्तर, तू उत्तर चेक नहीं करेगा कभी। तू जानबूझ के गलत ला रहा है उत्तर। चल रहा है क्या, लो इतना टाइम नहीं है, अब भेज दूंगा मैं हमेशा ये लाइन ही बोलता हूँ, भेज दूंगा मैं, भेजता कभी हूँ नहीं। देखो बिना देखे करना सबसे बढ़िया यही तरीका है, नहीं आए तो बीच में देख लेना, नकल कर लेना, बाकी बिना देखे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दसवां है, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र शब्द दे रखा है इसमें, ए और बी की प्रायिकता दे रखा है, ए नहीं और बी नहीं, 1/4 है। ए नहीं और बी नहीं का मतलब ए बार, और का मतलब इंटरसेक्शन बी बार बराबर 1/4। और ए और बी की प्रायिकताएं आपको दे रखी है, ए की प्रायिकता 1/2 और बी की प्रायिकता 7/12। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? ये फिर नहीं होगा इसमें, ये भी नहीं होगा, है ना? तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो पहले तो ये क्या है, ए यूनियन बी का पूरे का बार बराबर 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1-P ए यूनियन बी बराबर 1/4। तो पी ए यूनियन बी बराबर 1-1/4, 1/4 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 3/4। यूनियन मिल गया, ए और बी के मान मिल गए, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, है ना? यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में बदल दिए, तो पी ए इसका मान 1/2, पी बी का मान 7/12, यूनियन का मान 3/4, 12 एलसीएम ले लो, तो यहाँ कितना आएगा, 6+7-9, तो ये हो गया 4/12 या 1/3। अब
पी ए इंटू पी बी, इसका मान कितना आएगा, एक बटे दो इंटू सात बटे बारह, यह आ जाएगा सात बटे चौबीस। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ए इंटू पी बी, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब बराबर नहीं है, इसका मतलब हो गया अगर